डायरी के पन्नों से साईं कृपा। अभी कुछ दिन पहले मैंने चरित्र का एक अध्याय पढ़ रहा था, जिसमें जिक्र था कि कैसे साईं बाबा ने एक भक्त को एक ट्रेन का इंतजाम कराया था शिरडी पहुंचने का। तब मुझे अपनी पहली शिरडी यात्रा का विचार आया और मैंने अपने डायरी के पन्नों को खोजना शुरू किया और पाया कि मेरी शिरडी की यात्रा, जिस दिन, वो पवित्र दिन जिस दिन मैं साईं बाबा की उस पावन धरती पे पहुंचा था शिरडी, मैंने जिस दिन उस धुनी से धुएं को अपने सांसों में लिया था, उस बाबा की उस पवित्र स्थान को चूमा था, उस पत्थर को चूमा था जहां बाबा करते थे, वो 26 दिसंबर 1987। मेरे मन में उन दिनों बहुत ज्यादा विचार आ रहे थे कि एक बार मैं शिरडी हो आऊं, मगर इस तरह के उस टाइम फैसिलिटी नहीं थे जो आजकल होते हैं। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में जिक्र किया, कोई तैयार नहीं था, मगर दो दोस्तों को मैंने बड़ा कन्विंस किया कि यार चलो यार तुम लोग, मैं यात्रा के लिए जाऊंगा, तुम घूमने के जाओ। तो उनमें से दो मेरे आशु एंड भानु प्रताप, इन दोनों ने एग्री किया। मैं दिल्ली पहुंचा टिकट बुक कराने के लिए। तब बहुत मुश्किल हो जाती थी टिकट बुक कराने के लिए, जब अगर दिल्ली से ट्रेन पकड़नी है तो दिल्ली से जाना पड़ता था। वहां पे देखा इंक्वायरी, मैंने सोचा, पहले पता भी नहीं था कि कैसे शिरडी जाना, कि इंक्वायरी पे पूछूं। इंक्वायरी में भी काफी टाइम लगा, मेरे ख्याल में 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा होगा, इतना रश था उसमें भी। जब वहां इंक्वायरी में पहुंचा तो उनसे मैंने यही, भाई साहब शिरडी जाने के लिए कौन सी ट्रेन जाएगी? वो थोड़ा आगे आए, बोले साईं राम। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब उसे साईं राम कह दिया। बहुत कम सुनने को मिलता था तब साईं राम, तो सचमुच लगा कि साईं ने रास्ता दिखाने के लिए बंदा भेजा है, साईं साथ है। और मुझे बहुत प्यार से बोला कि आप वहां जाइए, आप वहां मनमाड़ की ट्रेन बुक करा दीजिए। वहां से उठा और एक फॉर्म ले लिया, जैसे फॉर्मेलिटीज थी। वहां बहुत टाइम लगा टिकट निकालने में, अगर मन में इतनी खुशी थी कि शिरडी जा रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं लगी, बाबा साथ थे, बाबा ने इशारा किया था कि मैं साथ हूं। टिकट वेटिंग की मिल गई और जिस दिन जाना था उस दिन हम तीनों पहुंच गए, बिना ये सोचे कि कंफर्म होगी कि नहीं कि जाना है, चलो भी जाना है। बाबा की कृपा थी, क्योंकि बाबा ने तो पहले ही दिखा दिया था कि वो साथ ही है मेरे। टिकट कंफर्म हो गई थी, सेम कोच थे, तीनों एक ही कोच में थे, हंसते गाते। सुबह मेरे ख्याल में करीब 4:30-5 बजे करीब हम मनमाड़ पहुंचे, तो वहां भी किसी इंक्वायरी की कि शिरडी जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी, तो वहां बस स्टैंड पर ले गया। वहां बस स्टैंड से बस भी आराम से मिली, जब रश बहुत था, सुबह सुबह का टाइम था, बाबा की कृपा थी, पहुंच गई शिरडी। और शिरडी पहुंचते बस स्टैंड पे जैसे एजेंट लोग आते हैं, रिक्शा वाले आते हैं, बाकी लोग आते हैं, तो उनमें से, हमें ये नहीं पता था तब कि यहाँ पे इतना अच्छा इंतजाम है कि वहाँ पे कुछ धर्मशालाएं भी नहीं है, भोजनालय है। चलो कोई आया तो उसने बोला जी होटल में बाबा साई की करनी। जिस होटल में वो हमें ले गया उसका उसी टाइम इनॉग्रेशन किया गया था। बाबा की दया, हम पहले कस्टमर थे उस होटल के। बाबा ने साफ सुथरे कमरे, साई संसार कुछ नाम था, और ये बिल्कुल जो अपनी द्वारिका माई है, उसके बाद आप चावड़ी मंदिर की ओर जाओगे तो सामने, बिल्कुल वहां पे सामने होटल था। नहा धो के निकले तो एक लॉज आता द्वारिका माई के सामने ही, उसके सामने चाय वाला बैठा था, पूनम लॉज, हम बाद में भी रुके हैं उसमें एक दो बार। चाय वाले से पूछा कि किस तरह क्या, तो उसने सारी डिटेल बताई। सबसे पहले मैं द्वारिका माई चला गया। मैंने कहा मुझे द्वारिका माई जाना, जहां भगवान बाबा रहते थे, उस हर जगह को चूमा जहां बाबा रहते थे।
हम बैठते थे, चाहे वो बाबा के बैठने का स्थान था या वो पत्थर जिस पे बाबा बैठा करते थे, या बाबा की दूनी या बाबा की चक्की, उसके बाद कुछ प्रसाद लेके समाधि मंदिर चला गया। वहां पे ज्यादा रश नहीं था, बाबा हमेशा साथ दे रहे थे। वो कह रहे थे अभी भी रश था, क्योंकि वहां दो चार बसें इकट्ठे आती रश हो जाता, उस टाइम रश नहीं था ज्यादा। मैंने पहले बाबा के चरणों में साइड जहां समाधि में माथा टेका, उसके बाद दूसरे साइड में आया। वहां आशु से था कि मेरे को फोटो खींचो, कैमरा साथ था हमारे, उसने मेरी फोटो भी खींची है। उसके बाद हम गुरु स्थान पे गए, बाकी जितने भी जगह, खासकर लेंडी बाग में जितना आनंद आ गया उस टाइम, वो सब चीजें वैसी की वैसी थी जैसी साईं बाबा ने खुद उस टाइम साईं बाबा के टाइम बनाई गई थी, या साईं बाबा के पास जाने के बनाई गई थी। ये आजकल बहुत चेंज किया गया, हनुमान मंदिर सेम जो बाबा के टाइम बना हुआ था। हम शाम को निकले वापस, बड़ी परेशानी थी, फिक्र थी कि हम वापस कैसे जाएंगे, अगर मन में विश्वास था बाबा का। मनमाड़ पहुंचे, ओपन टिकट निकाली वहां, और जो वहां टीटी थे खड़े थे, जिनको ट्रेन में वहां बदलते हैं टीटी, या कुली लोग थे, सबने मना कर दिया कि बहुत रश है जी, बहुत रश है। एक दो ट्रेनें आई, बहुत बड़ी पड़ी थी, मतलब जनरल कंपार्टमेंट में जगह ही क्या, अंदर घुसने की जगह नहीं थी। तो उनमें से दोस्त एक, उसने मेरे को टांट मार के कहा, अब देखता हूँ तेरा बाबा क्या करता है, तूने फंसा दिया हमें। आंखों में आंसू आ गए, अंदर बोला, बाबा दया करो बाबा, जैसे पुकारता हूँ बाबा को। कुछ देर के बाद कुल्ली एक आया, बोला साहब जी जो ट्रेन आ रही है उसमें तैयार रह लेना आप लोग, उसमें मैं जगह दिला दूंगा। जैसे ट्रेन आई वो हमें अपने साथ लेके गए, हम उसके साथ भाग रहे हो, बहुत पीछे जाके वहां पे एक कंपार्टमेंट था, और यकीन मानिए खाली कंपार्टमेंट, बिल्कुल खाली रिजर्व कंपार्टमेंट। और उसमें उसने हमें कहा कि जाओ, हमने कहा यार यहाँ तो खाली है, पता है, हमने सोचा कहीं कट जाएगा, कहता नहीं जी भोपाल में तक जा रहा है, ये किसी मैरिज के लिए बुक है वहां पे। मेरा मन तो कर रहा था सिर्फ जोर जोर से रो, बाबा को पुकारो। एक पूरा कंपार्टमेंट बाबा ने हमारे लिए भेजा। मेरा दोस्त आके मुझे सामने माफी मांगने के लिए कहता, बाबा का चमत्कार है यार। आराम से सोके गए, सुबह भोपाल पहुंचे, वहां साथ वाला कोच खाली था, जो रात को इतना रश था बिल्कुल खाली था। और वहां भी एक टीटी से रिक्वेस्ट की, उसने हमें रिजर्व कंपार्टमेंट दी, और फिर उसी टीटी ने हमारी टिकट एक्सटेंड कर दी रोहतक के लिए। इससे ज्यादा और बाबा से क्या मांगू। हे साईनाथ, हमेशा हमेशा रहना।